राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राम जन्मभूमि में विराजमान श्री रामलला के दर्शन करेंगे, तो वहीं सुग्रीव किला में आयोजित संत सम्मेलन में अयोध्या के संत स्वागत करने की तैयारी है, जहां दिवंगत महंत पुरुषोत्तम दास की प्रतिमा का अनावरण के साथ ही पुरुषोत्तम भक्ति भवन का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं अयोध्या के सूर्य कुंड पर आरोग्य मेले का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। तो सीएम योगी सुबह 10:35 पर अयोध्या पहुंचेंगे। इस पूरे आयोजन के दौरान 4 घंटे अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का पदार्पण होगा। सर्वप्रथम वो महाराज जी का दर्शन करेंगे, वहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, कुछ देर के लिए भेंट वार्ता होगी, फिर पूज्य श्री महाराज जी के पावन विग्रह का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री जी अयोध्या के प्रति उनका लगाव और समर्पण इस बात से दर्शाता कि वो अपनी 18 बार अयोध्या आ चुके हैं, तो अयोध्या के प्रति तो हमेशा उनका रहता है मन कि जब भी अवसर मिलता है व्यस्तता के बावजूद भी वो अयोध्या आना चाहते हैं। इस समय मौजूद हैं सुग्रीव किला के इस स्थल पर जहां पर सीएम योगी का कार्यक्रम है, यहां पर आयोजन होगा। यहां पर लगभग दोपहर में यहां पर पहुंचेंगे और महंत पुरुषोत्तमाचार्य जी जो दिवंगत हैं उनके जो है जो लगभग उनकी मूर्ति का जो है अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर अयोध्या के विभिन्न संतों से मुलाकात करेंगे, महान नित गोपाल दास जी के आश्रम भी जाएंगे, उसके पहले जो है राम जन्मभूमि का दर्शन भी कर सकते हैं, संतों से मुलाकात। लगभग ये माना जा रहा है कि अयोध्या में लगभग 4 घंटे का यह सीएम योगी का पूरा दौरा रहेगा। और जिस प्रकार से यह फैसला आने के बाद ये पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संत इनका भव्य स्वागत की भी तैयारी में लगे हुए हैं। अयोध्या संतों का मानना है, लेकिन जिस प्रकार से सीएम योगी का दौरा है, तो माना जा रहा है कि आज जो राम मंदिर निर्माण की बात की जा रही थी, जो मंदिर निर्माण को लेकर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा था, ऐसे कुछ सदस्य भी यहां पर हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 TV।